नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। डीजी कपिल गर्ग आए आज अजमेर दौरे पर, पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक, आईजी सहित एसपी रहे मौजूद। राजस्थान डीजी कपिल गर्ग आज अजमेर दौरे पर आए। अजमेर पुलिस लाइन पहुंचने के साथ ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद डीजी सभी पुलिस अधिकारी और आईजी से मिले। डीजी कपिल गर्ग ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस की प्राथमिकता बताई। सर, आज अजमेर पहुंचे परिवार आप जी, किस तरह की बैठक रहेगी और क्या दिशा निर्देश देने पहुंचे? देखिए, अजमेर तो मैं पहले भी बहुत आया हूँ, यहाँ पोस्टेड भी रहा हूँ, पहली बार नहीं आ रहा, लेकिन आज क्योंकि मैं दौरे पर था और अजमेर रास्ते में था तो एक रिव्यू यहाँ रखा है जिसमें अजमेर रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक गण को बुलाया है, आईजी साहब साथ होंगे, तो यहाँ की अपराध की समीक्षा करेंगे, आने वाली चुनौतियों की बात करेंगे और जो एक प्रयास हमारा है कि हम आम नागरिक से जुड़े, उनका विश्वास और स्नेह अर्जित करें, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो हमारे हार्डकोर अपराधी हैं उन पर किस प्रकार हम नियंत्रण कर सकते हैं वो भी बात आज करेंगे। और भी हमारी प्राथमिकता हैं जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स पे कैसे नियंत्रण पाया जाए, या वांछित अपराधियों को कैसे गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा हमारी एक प्राथमिकता समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, इनके लिए भी है, तो इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे और फिर प्रशासनिक जो हमारी प्राथमिकता है उन पे चर्चा करेंगे और एक प्रयास करेंगे कि एक रणनीति बने और पूरी रेंज में अच्छा काम हो। सर, ये बीट व्यवस्था आपने ही लागू की थी, आपका ही सोच थी जी, तो इसको और अपडेट करने की जरूरत है क्या? बीट व्यवस्था को अपडेट करके अभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कुछ ही दिन पहले, और मैं समझता हूँ कि आपको फील्ड में उसका इम्पैक्ट है, जो उसका असर है वो थोड़े दिनों में दिखने लगेगा। हाँ, क्योंकि आपका ही वो था सर, आपके समय में जब आप आईजी थे यहाँ जी, उसी समय आपने वास्तविकता ये है कि बीट जब से पुलिस है तब से बीट प्रणाली है, लेकिन ये हमारी सुषुप्त अवस्था में चली गई बीच में, तो उसी को हम चाह रहे हैं पुनर्जागृत करें और एक बार प्रभावी ढंग से लागू करें। सर, जबकि आपने अजमेर में एक प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि यहाँ भारी लोग ज़्यादा रहते हैं किराए से जी, तो एक आपने तस्दीक वाली जो उनका जो वेरिफिकेशन होता है ना जी, तो वो रेगुलर होता रहे, लेकिन आप इधर गैप आ गया काफ़ी, 2-3 साल से वो चीज़ थानावर हो नहीं पा रही। अभी जब जैसे ही ये बीट व्यवस्था लागू होगी तो बाहरी लोगों की भी तस्दीक शुरू हो जाएगी, जो यहाँ के निवासी नहीं है मूल रूप से, उनके स्थानीय जो थाने हैं वहाँ से तस्दीक शुरू हो जाएगी। सर, प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल अजमेर में है जी, लेकिन उस जेल से कई बार गैंग्स सक्रिय रहती है, फ़ोन अवेलेबल होते हैं अंदर, व्हाट्सएप भी चलता है जी, सब कुछ, वो गैंग जो मतलब है तो अंदर लेकिन बाहर पूरी कार्रवाई अपने रखते हैं, इस पर कैसे लगाम लगा पाए? देखिए, जेल का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो डीजी साहब जेल के पास होता है, डीजी पुलिस के पास नहीं होता, लेकिन आपराधिक गतिविधियां जो वहाँ से संचालित हो रही हैं वो हमारे जिम्मेदारी है कि या तो वो हम रोक पाएँ, और या फिर अगर होती हैं तो उनको हम तुरंत ही कार्रवाई करके और अन्वेषण पूर्ण करके उनके अन्वीक्षा के लिए कोर्ट में भेजें। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ये जानने के कि जेल से क्या चल रहा है, लेकिन अभी वो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा कि वो, लेकिन लगातार कार्रवाई होती है, कई फिरौतियाँ भी मांगी जाती है अंदर से फ़ोन करके, सारी कार्रवाई आपके पास तो आती है? जी हाँ जी, अल्टीमेटली तो पुलिस में ही आएंगी और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और इनकी रोकथाम के भी प्रयास किए जाएंगे कि ये वन ना कर पाए वहाँ से संचालन। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भी एक समस्या है जी, कि जो जांच इनके विभागीय जांचें होती है तो 6 महीने पूरी हो जानी चाहिए ताकि उनका कोई निस्तारण हो, लेकिन उसका काफी लंबे तक चलती है, तो ये लोग क्या बेनिफिट जो भी मिलने होते हैं उससे वंचित रहते हैं, दूसरा मानसिक प्रताड़ना में तो रहते ही डिप्रेशन में। नहीं, आपकी बात सही है, जो भी जांच है अगर कोई है तो उसको समय से निस्तारण किया जाना चाहिए, तो न निस्तारण होने के कई बार तो प्रशासनिक कारण हो जाते हैं अधिकारी को। जेल एंड अस्पताल पर पार्किंग वाले कर रहे हैं गुंडागर्दी, जबरन वसूल रहे पार्किंग का पैसा, मरीज के परिजनों में भारी रोष व्याप्त।
जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पर आज मरीज के परिजनों की और पार्किंग वाले की बहस हो गई। परिजनों का कहना है कि पार्किंग वाला गुंडागर्दी के साथ जबरन पैसा वसूल रहा है, छोटी गाड़ियों पर 30 रुपए एक चक्कर के ले रहा है और वहीं बड़ी गाड़ियों पर 60 रुपए प्रति चक्कर वसूल रहा है। परिजनों में भारी रोष व्याप्त है। सबका कहना है कि हम सुप्रिंटेंडेंट से पार्किंग वाले की ठेके को बंद करवाने की मांग करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था देखेंगे। ये JLN हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी वार्ड है, यहाँ पर साइकिल स्टैंड का जो ठेके वाला है ये लोगों से अवैध वसूली करता है। 30 रुपए लिखे हुए हैं, 60 रुपए लेता है, मनमानी रेट लेता है। 30 रुपए 24 घंटे के हैं लेकिन ये हर चक्कर के 30 रुपए लेता है और इसकी मनमानी से लोग दुखी हैं, पेशेंट दुखी है, पेशेंट के रिश्तेदार दुखी हैं और इतने दुखी हैं कि लोग बाग बोलते नहीं है, बोलते हैं तो झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है। आज ये बात हमने करी है। अभी ठेका किसके नाम है? मानवेंद्र सिंह जी के नाम बता रहे हैं किसी के। आज हम सुप्रिंटेंडेंट साहब से मिलेंगे और इसके ठेका कैंसिल कराने की मांग करेंगे। नहीं, जो पर्चियों पे लिखा हुआ जैसे 15 रुपए लिखा हुआ लेकिन लेते 30 रुपए, और जो 30 रुपए लिखा हुआ वहाँ 60 रुपए ले रहे हैं। कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा रखा? नहीं, कुछ नहीं लगा। आपका नाम? मुन्ना लाल शर्मा, प्रदेश सचिव शिव। के अंदर चिल्ड्रन वार्ड, एमरजेंसी, हृदय विभाग, अलग अलग वार्ड हैं, इन सब पे एक पार्किंग का ठेका है जो एक ही आदमी का पार्किंग का ठेका है। उदयपुर का कोई आदमी है, क्या नाम था उसका? मानवेंद्र सिंह नाम है उसका, उसका ठेका है पूरा। उसने अपने आदमी बिठा रखे हैं, हर स्टैंड की अलग अलग पर्ची है। कहीं पर फोर व्हीलर के 30 रुपए हैं, एमरजेंसी में फोर व्हीलर के 20 रुपए हैं। यहाँ पे कोई रेट इसका ठेक नहीं है कि भाई कोई इन्होंने लिख के रखा हो या कोई ब्रोशर चिपका रखा हो कि भाई हर गाड़ी की रेट ये है। 24 घंटे के 35 रुपए मांग रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है, लेकिन पर चक्कर के 35 रुपए ले रहे हैं। सबको लूट रहे हैं। JLN के अंदर आप एमरजेंसी के बीच चल जाओ, 10 रुपए टू व्हीलर के हैं, यहाँ पर ये 20 रुपए टू व्हीलर के ले रहे हैं। जब ठेकेदार एक है तो रेटें भी सब एक ही होनी चाहिए ना, इधर ज़्यादा उधर कम क्यों? यहाँ पे क्या रेट लिस्ट होकर लगा रखी? कुछ भी नहीं है, ना रेट लिस्ट है ना बात है। अभी जब हम यहाँ आए तो जो इनके जो आदमी थे ठेकेदार के, वो सब यहाँ से गायब हो गए। हमने एक आदमी को पकड़ रखा जो यहीं है, अब हम चाह रहे हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, मुकदमा दर्ज कराना फोर्ट का, कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है जो हो रहा है। मतलब कोई आदमी पेशेंट को लेकर के यहाँ आ रहा है, वो उसको दिखाने में उलझे या दवाइयों में उलझे या इन पार्किंग वाले से उलझे, पर चक्कर के 35 रुपये मांग रहे, 30 रुपये मांग रहे कार के। अब वो दवाई लेने जाएगा तो क्या पैदल जाएगा? क्या भाई जिसको पकड़ा क्या पुलिस का हवाला करेंगे? बिल्कुल सर, आप उसको थाना ले जा रहे हैं। आपका नाम? हेमंत सिंह चौहान, युवा शिवसेना उप जिला प्रमुख। आवासीय योजना देने वाली सरकार ने छीने गरीबों के मकान। सुभाष नगर के क्षेत्रवासियों के घर तोड़ने पहुंचा प्रशासन। आज सुबह 7 बजे पहुंची गाड़ियां। रेलवे ट्रैक के पास सुभाष नगर के क्षेत्रवासियों का DFCCIL कंपनी से कई समय से मामला चल रहा है। मामला यह है कि कंपनी रेलवे ट्रैक के लिए इनके घर लेना चाहती है लेकिन 10 साल पुरानी कीमत में। अब इनका कहना है कि इतनी महंगाई में हम इतने पैसों में कहां घर लेंगे। इनका कहना है कि हम केस भी जीत चुके हैं फिर भी हमारे घर छीने जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे ही JCB पुलिस प्रशासन के साथ पहुँच चुकी है। अभी तो यहाँ पर सब बैठे थे, उन्होंने शराब पी रखी थी, शक्ति सिंह को पकड़ के नहीं गाड़ी के अंदर डाल दिया। हम औरतें क्या कर सकते हैं? किन लोगों ने शराब पी रखी थी? तो पुलिस वालों ने, 3-4 जनों ने खूब पी रखी थी, मारपीट भी कर रहे थे। औरतें क्या करेगी? धमकियां दे रहे आपको? धमकियां ऐसे दे रहे कि या तो मकान खाली करो, मकान भी खाली करेंगे तो तोड़ेंगे जरूर। क्या तोड़ोगे? मारेंगे हम, सुबह 7 बजे तोड़ेंगे। तो इतनी रात में कौन खाली करेगा? मेरा कौन है आगे पीछे? आपके कौन है घर में, क्या है? मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा, पति वगैरह, बच्चे? मेरा बच्चा भी नहीं है, पति भी नहीं है। अच्छा, मेरा देवर जेठ भी नहीं है। अच्छा, मेरा कौन है? अब ये आप जैसे अकेले हो, आपको खाली करने का बोल दिया तो मकान कैसे खाली कर पाओगे? कैसे खाली कर पाऊंगी मैं? मेरे से चला जाएगा कि मेरे से उठेगा क्या सामान? मैं कैसे उठाऊंगी? ऐसा करें, इतनी रात के अंदर जी, पहले सूचना देनी थी हमारे को। आपको कितने टाइम पहले बताया गया तोड़ेंगे? कुछ भी नहीं बोला, अभी 5 मिनट हुआ, 8:10 पे आया है। कोई नोटिस है ना कोई सूचना है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुखी देवी।
और ये जगह कौन सी जो रहती है? सुभाष नगर। आज सिर्फ यही हुआ है कि है ना मतलब पुलिस वाले आके हमें जोर जबरदस्ती से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हमारा मकान लेने के लिए वो हमें जबरन परेशान कर रहे हैं और कुछ वो नहीं है। हमारे पास कोर्ट के आदेश है, हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जबकि हमें नोटिस देना चाहिए, 60 दिन का एक प्रावधान होता है कि आप हमें 60 दिन का नोटिस दो, उसके बाद हमारे खाली करा चुके हो। ऐसा कुछ उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया है और अभी यहाँ पर सबके ना ऑटो से एक वो स्पीकर अनाउंस करवा दिया है कि सुबह 7 बजे हम आएंगे। हाँ, और 7 बजे आएंगे और आपके मकान तोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये लोगों को कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हो? सर कम से कम हम आज हमारे दादा दादा परदादा से हम यहाँ पे रह रहे हैं। कम से कम हमारी चौथी पीढ़ी आज यहाँ से रह रही है, तो हमारे पास हम कैसे जाएंगे? और जो पुलिस वाले थे उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, इस बात का हमारे पास सबूत है, वो ड्रिंक करके आए थे। और हमारे जो सचिव है शक्ति भैया है ना, उनको परेशान करने के लिए उनको जबरदस्ती उन्हें पता है कि भाई भैया किसी को एक को हम अंदर ले जाएं और चुपचाप पीछे औरतें अकेले आदमियों को अंदर ले जाएंगे तो पीछे औरतें अकेले क्या करेंगी और उनको पकड़ के ले जाएंगे। तो वो हमें इस परिकार से मतलब कि डरा रहे, धमका रहे, ये है आज का प्रशासन। ये किस तरह की यहाँ पर महिला है और जिनके कोई है, पति भी नहीं है? ये है ना, मैं हूँ जिसमें मेरे फादर नहीं है, बस विधवा महिला है, सब विधवा है। मैं हूँ जिसमें मेरे फादर नहीं है, है ना, और ये है दादी जी है, इनके भी फादर मतलब हस्बैंड नहीं है, अकेली है ये, हमारे लिए ये है सब विधवा है, हमारे अकेले हैं, ये आंटी जी घर से रात को खाली करके जा पाएंगे? हम तो नहीं जा पाएंगे, हम तो जा नहीं सकते, हम तो नहीं जा सकते। हम हमारे अगर हमारे मकान टूटते हैं, हम कुछ भी होता है तो हम हमारे यहाँ पे हम तो हमारे मकानों के सेफली करेंगे। आज हम हमारे मकानों को ऐसे नहीं दे सकते किसी के। हम तो ना राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से और हमारे देश के मुख्यमंत्री, उनको हम ये कहते हैं हमको जीवन मृत्यु दे दो, जीते जी इच्छा मृत्यु से दे दो, इच्छा मृत्यु दे दो हमको, क्योंकि हमारे को फ्री में ले लो मकान। हमारे 4 लाख सिटी ने हमें धमकी दी है, सरे आम हमें धमकी दी है एडीएम सिटी। क्या मानते हो आप, कितने पैसा दे रही है, क्या है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिड योजना के तहत सुभाष नगर में तोड़े 54 मकान, नम आंखों के साथ लोगों ने अपने घरों को किया अलविदा, भारी पुलिस जाप्ता रहा तैनात। अजमेर से हरियाणा तक रेलवे की डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिड योजना को रेलवे प्रशासन अब सख्ती से लागू करने के मूड में आ चुका है। यही वजह है कि सुभाष नगर में स्थित जितने भी भूमि अवित करने वाले परिवार थे उनको पहले ही नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद घर खाली नहीं किए गए। तो आज पुलिस प्रशासन की मदद से रेलवे अधिकारियों ने उनके घरों पर कब्जा करते हुए जेसीबी के द्वारा तोड़ने का काम शुरू किया। हालांकि स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी आज सुबह से तैनात रहा। अजमेर से हरियाणा तक रेलवे के द्वारा एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सुभाष नगर में रेलवे की भूमि पर मकान योजना की जद में आ रहे थे, जिसके चलते रेलवे समय पहले ही नोटिस देकर घर खाली कराने का आदेश दे चुका था। लेकिन समय अवधि निकल जाने के बावजूद स्थानीय लोगों के द्वारा मकान को खाली करके नहीं रेलवे को सौंपने का काम नहीं किया गया। तो आज रेलवे ने सख्ती से, रेलवे के अधिकारियों ने आज अजमेर जिला पुलिस की मदद से स्थानीय लोगों के घरों को जबरन कब्जा लेने का सिलसिला शुरू कर दिया। आज सुबह से रेलवे के अधिकारियों सहित पूरे सुभाष नगर क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर एम्बुलेंस, जेसीबी मशीन साथ ही फायर ब्रिगेड गाड़ियों को भी मौके पर बुलवाया गया, क्योंकि शुरू से स्थानीय लोगों का भारी विरोध देखा जा रहा था, जिसके चलते पुलिस के बड़े बंदोबस्त किए गए। और कड़े बंदोबस्त के बीच पुलिस की मौजूदगी में रेलवे के अधिकारियों ने घरों पर कब्जा लेते हुए जेसीबी से इसको तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डबल लाइन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सब कुछ काम चल रहा है। L1 L2 में लैंड हमने एक्वायर कर ली थी, 53 स्ट्रक्चर है, इसका डिमोलिशन करना था, हमने एक्वायर कर चुके हैं, इसका डिमोलिशन चल रहा है। मुआवजा नहीं दिया, सब नियम से काम संभाल रहे हैं, आपको किसी बात में नहीं, सब मुआवजा दिया गया है, जितनी भी कोर्ट प्रोसीड है, लिटिगेशन से सब कुछ करके सर क्या कार्रवाई है और किस तरह से अंजाम दे रहे हैं? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भूमि आवप की गई थी और ये प्रकरण काफी लंबे समय से पेंडिंग था। चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में जो VC हुई थी उस विषय में अविलंब इसका सजेशन लेने के लिए निर्देश दिए गए थे, उन्हीं निर्देशों की पालना में आज पोजीशन लेने की कार्रवाई की जा रही है। सर भारी पुलिस बल मौजूद है, किसी तरह का कोई विरोध या कुछ सामने आया है? शुरू में एक अंदेशा था कि लोगों को शायद विरोध हो सकता है, करीब 52 स्ट्रक्चर्स थे जिनका पोजीशन लिया जाना था और इसके लिए 150 पुलिस बल हमारे जिला पुलिस अधीक्षक से हमने प्राप्त किया था, करीब 70 RPF का और GRP का जब्ता हमारे पास में है। तो लेकिन किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया है, लोगों से बातचीत भी की गई थी, इनको समझाइश भी की गई थी कि जिस भूमि की वापसी हो गई है उसका पोजीशन लेना जाना वैधानिक रूप से अब जरूरी हो गया है,
तो काफ़ी लोगों ने तो इसमें अपना सहमति भी जाहिर की थी और अपना शिमोटो पोजीशन हटा रहे हैं। कुछ लोगों के विरोध की आशंका थी लेकिन मौके पर करीब 20-25 घरों का पोजीशन ले लिया गया है, आंशिक इनका तोड़ा गया है इनको, लेकिन अभी तक किस तरह की कोई विरोध की बात सामने नहीं आई है और शांतिपूर्वक पोजीशन लेने का प्रशासन ने भी काफ़ी धैर्य रखा, लोगों को समझाइश की, बाहर निकाला। हाँ, प्रशासन की तरफ से काफ़ी हद तक प्रयास किए गए थे, हर बार हर 2-3 दिन में इनके साथ बैठ के बातचीत की भी गई, इनको प्रयास हर संभव इनको मौका भी दिया गया था। इन लोगों प्रभावित परिवारों ने अपनी बात उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी रखी थी लेकिन वहाँ से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। अभी इनका प्रकरण आर्बिट्रेटर के समक्ष लंबित है, जिस पर कोई निर्णय आता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फुल फ्लैश नहीं तोड़ा जा रहा, सिर्फ आंशिक ही नहीं, जितना अवाप की गई है उतना, तो जिस मकान को पूरा अवाप कर लिया, भूमि पूरी अवाप हो गई है, उस मकान का पूरा पोजीशन लिया जा रहा है, जहाँ पर आंशिक अवाप की हुई वहाँ पर आंशिक अवाप किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मुआवजा नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसा है कि अवार्ड जिस बन गया था उस अवार्ड से ये लोग संतुष्ट नहीं थे, इनका कहना था कि हमें बाजार दर से दिया जाए, जो भी वैधानिक बातें थी, प्रावधान थे, जो भी नियमानुसार मुआवजा तय किया गया था, वो मुआवजा तैयार करके इनको दे दिया गया था। इन लोगों ने लेने से इनकार किया तो वो मुआवजा इनका कोर्ट में जमा है। आज भी अगर ये प्रभावित परिवार वो जो मुआवजा तय किया गया है उसको लेने के लिए कहते हैं तो अविलंब वो मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान बाजार मूल्य से कोई मतलब नहीं है ये इनका तर्क यह था कि बाजार मूल्य से हमारा मुआवजा तय किया जाना चाहिए, उसके लिए इन्होंने आर्बिट्रेटर के समक्ष अपने जो लिटिगेशन है उनका वहाँ पेंडिंग है, आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी निर्णय पारित किया जाएगा। जेएल मेडिकल कॉलेज की जर्जर अवस्था पर भाजपा का महिला चिकित्सा मंत्री डगू शर्मा नहीं दे रहे ध्यान, जल्द कॉलेज न हुआ दुरुस्त तो भाजपा करेगी उग्र आंदोलन। संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जेएल मेडिकल कॉलेज की जर्जर अवस्था होने के बाद आज भाजपा के पदाधिकारियों ने हल्ला बोल दिया है। इनका कहना है कि जिले के मंत्री रघु शर्मा जो कि चिकित्सा मंत्री, उसके बावजूद जेएल मेडिकल कॉलेज की हालत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाजपा जनों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी, अगर कॉलेज को जल्द ही दुरुस्त नहीं किया गया तो। अजमेर जेएलएन जो कि संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके जो मेडिकल जो प्रयोगशाला जहां बनी है उसके द्वारों पर जर्जर स्थिति है, पानी बह रहा है, आप देखिए उसकी वहां की स्थिति देखें तो द्वार जो है उन बिल्कुल जर्जर स्थिति में, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। साथ ही साथ हमारे अजमेर में चूँकि 5 बीजेपी के MLA होने के बाद एक मंत्री हमारे अजमेर संभाग से रघु शर्मा जी जो चिकित्सा मंत्री का जो दायित्व निभा रहे हैं, उसके बाद अजमेर जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद आज अगर उसकी यह दयनीय अगर स्थिति अजमेर के संभाग की स्थिति है तो ये राजस्थान सरकार के लिए एक शोचनीय स्थिति है और राजस्थान सरकार को इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जो भी जर्जर स्थिति को तुरंत मरम्मत कराए और अन्यथा इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि नहीं कोई एक दुर्घटना कारित नहीं। चूँकि अगर कोई व्यक्ति जेलेन में अगर आता है तो वो स्वस्थ होने के लिए आता है, कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, अगर पीड़ित व्यक्ति को आप पुनः अगर कोई पीड़ा पहुंचाने की अगर कर रहे हैं तो ये राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है और मैं चिकित्सा मंत्री और राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की होगी। राजीव भारद्वाज बगरू, प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा। कांग्रेस सरकार को लेकर भाजपा का कलेक्टिव पर जोरदार प्रदर्शन, बेरोजगारों को बत्तर, किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की करी मांग, अजमेर के दोनों विधायक भी रहे प्रदर्शन में मौजूद। कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1 महीना और 15 दिन हो चुके हैं लेकिन कांग्रेस ने अभी तक किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं किया और बेरोजगारों को 3500 रुपए भत्ता नहीं दिया, ये कहना है भाजपा जनों का। शहर अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में लोगों से कई वादे किए थे लेकिन उन्हें पूरा करने में नाकामयाब साबित हो रही है, इसलिए आज कलेक्टिव पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इस प्रदर्शन में विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता पटेल, मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। विगत विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में राजस्थान के किसानों से वायदा किया था कि उनका संपूर्ण कर्जा माफी की जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद, और राजस्थान के सभी बेरोजगार युवकों को 3500 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार को बने हुए 1 महीना 15 दिन हो गया, अभी तक इन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर कोई रणनीति तय नहीं करी है और राजस्थान के 59 लाख किसान जिनके ऊपर लगभग 99,000 करोड़ का कर्जा है, उस कर्जे को तुरंत प्रभाव से ये सरकार माफ़ करे इसकी मांग को लेकर और बेरोजगार युवाओं को वजीफा देने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन है और वहाँ से हम महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और शीघ्र ही किसानों का कर्जा माफ़ी, बेरोजगारों को वजीफा
और जो 10% सामाजिक समानता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ण युग आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए उनको जो आरक्षण की बात करी है वह राजस्थान में शीघ्र लागू हो, इसकी मांग को लेकर आज हम प्रदर्शन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के सभी विधानसभाओं में एक साथ किसानों के साथ जो कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है, सवर्ण के 10% रिजर्वेशन को अभी तक लटकाए रखा है और युवाओं के बेरोजगारी भत्ते पर अब कोई बात भी नहीं कर रही है, ऐसे इन तीन मुद्दों को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करके हम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन दे के सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था चुनाव से पहले कि हम किसानों का कर्ज़ा 10 दिन के अंदर माफ़ करेंगे, 10 दिन की जगह 40 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी किसान के खाते में एक पैसा भी नहीं आया है और 99,600 करोड़ रुपए हैं जो 59 लाख किसानों का कर्ज़ा है, इस संपूर्ण कर्जे को माफ़ करें, पैसा कहां से व्यवस्था होगी ये सब स्पष्ट करें और बेरोज़गारी भत्ते के भी नियम तुरंत करें कि वो 10वीं पास वाले को देंगे, 12वीं वाले को देंगे, ग्रेजुएट को देंगे, कब से देंगे, ये सारी व्यवस्था करें और 10% सवर्णों के आरक्षण की जो हमारे मोदी जी की सरकार ने पास किया जिसको 3 राज्य सरकारों ने लागू भी कर दिया, राजस्थान में इसको अविलंब लागू किया जाए, इन मांगों के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कांग्रेस ने जो किसानों और युवाओं को और समाज को भ्रमित करके वोट बटोर लिए हैं वह लोकसभा में हम इनका असली चेहरा जनता के सामने ला करके और उसका मुखौटा हम दिखाएंगे ताकि कांग्रेस किसान और युवा और सवर्ण विरोधी है वह तुरंत इसको लागू करे ताकि लोकसभा चुनाव में इनका जो भ्रम फैला करके कमेटियां बना करके जो वोट लेने का एक षड्यंत्र है उसे हम सफल होने नहीं देंगे। ज्ञापन किसको देंगे? कलेक्टर को दें। कांग्रेस द्वारा जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया और लोगों से झूठ बोला गया, किसानों से विशेषकर उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि वो 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। कांग्रेस की सरकार बने लगभग 1.5 माह हो गया है, 10 दिन तो कभी के बीते जा चुके हैं, लेकिन अब तक भी राजस्थान सरकार जो कांग्रेस पार्टी की बनी है उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ करना तो बहुत दूर की बात है, किस तरह से उनका कर्जा माफ़ करेंगे यह रचना भी अभी तक नहीं बनाई है और जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की घोषणा की थी लेकिन सिर्फ जो डिफ़ॉल्टर्स किसान हैं उन्हीं डिफ़ॉल्टर्स किसानों का कर्जा माफ़ करने की वो बात कर रहे हैं, तो इस तरह से वो एक नई नई शर्तें इसके साथ में जोड़ रहे हैं और ये निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी तरह यदि हम MP में देखें जहाँ उनकी सरकार बनी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करेंगे लेकिन किसानों के जिस तरह से अकाउंट में कर्जा माफ़ हुआ है, किसी के 700 रुपये, किसी के 400 रुपये, किसी के 600 रुपये, तो ये 2 लाख रुपए तक की जो सीमा उन्होंने झूठ बोली है, पूरी साफ झूठ उन्होंने बोला है, ये एक बहुत बड़ा किसान भाइयों के साथ में धोखा है, कृषकों के साथ में धोखा है, जो हमारा देश का अन्नदाता है उस अन्नदाता के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है, इसलिए किसान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के समस्त किसान वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और सरकार को आज ज्ञापन जिलाधीश महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी जो है सरकार कर्जा माफ़ करे, नहीं तो हमारे ज्ञापन के बाद में यदि वो कर्जा माफ़ नहीं करती है तो आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन में करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरफ्तारियां देने वाले हैं। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।